और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में एक भक्त की पिटाई का मामला सामने आया। बाउंसर ने भक्त को थप्पड़ जड़े हैं और कथा के दौरान बाउंसर ने जड़े हैं थप्पड़। मौके पर पुलिस मौजूद है, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है और एक भक्त की पिटाई का मामला सामने आया। बाउंसर ने भक्त को थप्पड़ जड़ दिए और कथा के दौरान में बाउंसर ने थप्पड़ छोड़े हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है और पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं संवाददाता। हिमांशु, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े गए हैं और ये भक्त था, वहाँ मौजूद था आगे वीआईपी गैलरी में, और उस वक्त बाउंसर ने कुछ कहा सुनी है बाउंसरों से, लिहाजा बाउंसर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से वो बैरिकेटिंग है उसको कूद कर गया। भक्त था उसको बीच से खींच कर आगे लाया और फिर वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजर कमेटी में जो भी लोग थे उसके अलावा जो बाउंसर थे, उन्होंने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक कई थप्पड़ जड़ दिए गए थे, लिहाजा उसके बाद पूरा मामला शांत कराया गया। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो लोग हैं उनको वीडियो के माध्यम से ही, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके माध्यम से ही ये जांच पड़ताल में जुटी हुई, कौन लोग थे जिन्होंने मारपिटाई की है, क्योंकि तस्वीरों में देखा जा रहा है एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे और वहां पर कई लोग मौजूद थे जो वीआईपी गैलरी के सामने यानी जहां मुख्यमंत्री है उसकी तरफ से, लिहाजा मारपीट की गई है और कई थप्पड़ जड़े गए हैं। और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है वीडियो के आधार पे। जी ठीक है, लेकिन हिमांशु वीडियो को लेकर क्या कोई और जानकारी मिल पाई है? वहां के जो लोग थे, वहां पर जो मौजूद थे लोग, कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो? देखिए आपको बता दें, ये विवाद तब हुआ जब एक भक्त जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान धक्का मुक्की की गई और उसके बाद बाउंसर अपना आपा को बैठे आप और बाउंसर ने ही पिटाई की। बाउंसर ही किस तरीके से वो जो बैरिकेटिंग थी उसको फांदते हुए अंदर गया और फिर भक्त को खींच कर लाया बाहर। लिहाजा जो श्रद्धालु, जो भक्त लोग पहुंचे हुए हैं उनके कहीं ना कहीं तौहीन है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है और जो कथा है वो 10 से 16 चल रही है और आज दूसरे दिन इस तरीके का घटनाक्रम आया है जहां पर बाउंसरों ने एक श्रद्धालु की एक पिटाई कर दी है। लिहाजा पुलिस भी इस पूरे मामले में जुटी हुई है और वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है। घटना अभी कुछ देर पहले की बताई जा रही है। हिमांशु, क्या धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर कोई बात उनकी तरफ से कही गई हो? देखिए आपको बता दें, ये पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा का वाचन कर रहे थे। कथा के वाचन के दौरान ही ये भक्त जो है बैरिकेटिंग की तरफ आगे बढ़ा उनको सुनने के लिए, लिहाजा उसे रोका गया, उसके बाद धक्का मुक्की की गई और उसके बाद बाउंसर अपना आपा खो बैठे और बाउंसरों ने उसकी पिटाई कर दी और यही नहीं, पिटाई करने के बाद उसको खींच के लाते हैं बैरिकेटिंग की तरफ और जो आगे कमेटी के सदस्य या और अन्य बाउंसर है उन्होंने एक के बाद एक थप्पड़ बरसा दिए। लिहाजा अब जो है, जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने मामला शांत कराने की कोशिश की और जब पुलिस मौके पर पहुंची है तो पुलिस ने दोनों को अलग किया है, जो बाउंसर थे और कमेटी की तरफ से लोग थे उनको, और इसके अलावा जो जिसकी पिटाई हो रही थी अभी अलग कर दिया गया है। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, उनकी कथा का वाचन किया जा रहा है और ये उनके मंच से कुछ ही दूरी पर ये पूरी घटना हुई है, जहां वीआईपी गैलरी, जहां मीडिया गैलरी उसके ठीक बगल में हुआ है। जी बिल्कुल हिमांशु, और एक ये भक्त की तौहीन इसे कहा जा सकता है क्योंकि उत्साह लोगों में काफ़ी ज़्यादा था। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचेंगे, कथा करेंगे, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, कथा सुनने के लिए पहुँच रहे हैं, और ऐसा अमूमन होता है कि लोग अक्सर आगे बढ़कर देखना चाहते हैं, कथा को सुनना चाहते हैं, तो ऐसे में थप्पड़ जड़ देना ये कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनकी एक बड़ी तौहीन है। लेकिन पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है, क्या इस मामले को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई की भी बात कही गई है या फिर समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया? देखिए आपको बता दें, वहाँ क्योंकि भीड़ है, भीड़ होने के चलते जो बाउंसर है वो भी छितर बितर हो गए हैं, इधर उधर कर दिए गए हैं, कमेटी के सदस्य भी इधर उधर हो गए, लिहाजा पुलिस जो है पूरे वीडियो को वीडियो के आधार पे ये देखने की कोशिश कर रही है कौन बैरिकेटिंग फांद के गया था और वो युवक कौन है, उसको चिन्हित किया जा रहा है। लिहाजा पुलिस की तरफ से ये भी कहना है कि जैसे ही शिकायत मिलेगी इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है कि अभी शांत करा दिया गया है और दोनों जो युवक है उसको भी अलग
जिसको पीटा गया है, एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए गए, थप्पड़ या यूं कहें कि थप्पड़ बरसा दिए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, कई वॉलंटियर्स भी लगाए गए, पुलिसकर्मी भी थे, बाउंसर्स भी थे। आप लगातार दो दिन से वहीं पर मौजूद है, तो क्या भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो लोग वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए थे उनके भी कंट्रोल में नहीं आ रहे लोग? देखिए, भीड़ इसलिए भी है ज्यादा कि ये समझने की कोशिश, सबको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत नजदीक से देखना है, बहुत नजदीक से सुनना है, लिहाजा कोई भी आदमी जो है वो पीछे बैठना नहीं चाहता है। और इसी के चलते जो भी भीड़ है, जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो भक्त पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो वहीं पहुंच रहे हैं, सबसे आगे पहुंच रहे हैं और देखना चाहते हैं करीब से, और अपने जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके कथा वाचन को करीब से सुनना चाहते हैं, लिहाजा सब लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिनको सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी थी, को संयम रखना था, वही आपा खो बैठे और बाउंसरों ने एक भक्त की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन बाउंसर से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती, खास करके वहां जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हो। तो ऐसे में कई सारे सवाल इन बाउंसर्स पर, जो कि सिर्फ व्यक्ति वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए पहुंच रहा था, उन्हें सुनने के लिए आगे बढ़ रहा था, और ऐसे में जिस तरह की पिटाई यहाँ पर की गई है बाउंसर्स के द्वारा, ये उन बाउंसर्स पर भी कई सारे सवाल हैं। हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से देखिए सुरक्षा व्यवस्थाएं वॉलेंटियर्स और बाउंसर्स के हाथ में है, और जो सबसे नजदीक है वो वॉलेंटियर्स और बाउंसर ही हैं, क्योंकि ये घटना जो हुई है वो मीडिया गैलरी के ठीक बगल में, यानी वीआईपी लॉन्च की तरफ हुई है, लिहाजा जो सबसे आगे वाली बैरिकेडिंग है, सभी भक्त को अपने जो कथावाचन है उनको सुनना है, जो श्रद्धालु हैं वो देखना है। और अव्यवस्था इसलिए भी है क्योंकि सब लोग आगे पहुंच रहे हैं, ना तो वहां बाउंसर मैनेज कर पा रहे हैं, ना वहां वॉलेंटियर्स मैनेज कर पा रहे हैं, और इसके अलावा जिनके हाथ में सुरक्षा है, जिनको सुरक्षा देखनी है, जिनको लोगों को समझाना है, जिनको लोगों से प्यार से बात करनी है, वही अपना आपा खो रहे हैं, वही मारपीट कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं में धक्का मुक्की हो रही है, और धक्का मुक्की के बाद तस्वीरें अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एकाएक टूट पड़े बाउंसर, उन्होंने एक के बाद एक थप्पड़ मार दिया। लिहाजा इस तरीके की घटनाएं बेहद शर्मनाक है, और अब जिस तरीके से ये पूरा वीडियो आया, पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि उस भक्त की क्या गलती थी जो आगे पहुंचकर अपने कथावाचन जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनको देखना चाह रहा था, उनको नजदीक से सुनना चाह रहा था, और उसके बाद उसको समझा बुझा के वापस भी भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धक्का मुक्की के बाद सीधे मारपीट, ये इस तरीके से जो है जो लोग पहुंच रहे हैं उनके साथ बर्ताव हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, और वहां पर पुलिस की भी इंतजाम है। और अगर तस्वीरों में हम लोग देख सकते हैं कि अगर मौके पर वो पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा होता तो शायद उसको और ये लोग पीटते, लिहाजा पुलिस के चलते वहां पर जो भक्त था उसकी पिटाई कम हुई। लेकिन इस तरीके का व्यवहार जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं उनके साथ किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं भक्त और जो श्रद्धालु हैं वो दुखी होंगे। जी हिमांशु, क्या आज की कथा अब समाप्त हो चुकी है या कथा अभी भी चल रही है और मामले को पूरी तरह से शांत करा दिया गया है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? आपको बता दें, अभी कथा चल रही है, क्योंकि आज कथा करीब करीब 2.5 घंटे लेट चली है। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो मथुरा गए थे, बरसाने गए थे, और उसके बाद वहां से लौटे हैं। फिर लौटने के बाद, क्योंकि 4 बजे से समय दिया गया था, सभी लोग 4 बजे पहुंचे थे, 4 बजे से कथा का वाचन होना था, और आज जब उन्होंने कथा भी शुरू की, इस दौरान उन्होंने आई एम सॉरी भी बोला कि मैं लेट आया हूं और कल से ऐसा नहीं होगा। 2 दिनों से जब वो पहुंच रहे हैं तो कथा में देरी हो रही है, लिहाजा आज उन्होंने माफी मांगी, जो भक्त पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सभी लोगों से, और ये कहा कि कल से टाइम से आएंगे। और आज क्योंकि 6:30 बजे के बाद कथा शुरू हुई है, आरंभ हुई है, लिहाजा 6:30 बजे के बाद शुरू हुई है, और अभी कथा का वाचन किया जा रहा है, कथा अभी चल रही है। और जब कथा ये चल रही थी उसी दौरान की ये घटना है, जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी गद्दी से बैठ के कथा का वाचन कर रहे थे उसी दौरान ये घटना हुई पूरी, और मारपीट हुई, और शायद संभवतः वो मंच से देख भी पा रहे होंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, और एक वर्ग जो धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार विरोध करता आया है, क्योंकि काफी लोकप्रिय हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। अब ये वीडियो को लेकर कई लोग ऐसे होंगे जो कि सवाल करेंगे, हालांकि ये भी उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले वक्त में धीरेन्द्र शास्त्री इस विवाद को लेकर अपना जो स्टेटमेंट है वो दे। तो देखिए, जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने ये घटनाक्रम हुआ है, बिल्कुल फ्रंट रो पे हुआ है, और वहां पर भक्त के साथ हुआ है, सबसे बड़ी बात है, यही जनता उनको सुनने आती है, यही जनता उनका स्मरण करती है, यानी ये पूरा जो घटनाक्रम है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने चलता रहा, उसके बावजूद भी
कथा चलती रही और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं दी। सीधे तौर पर कहा जाए तो उन्होंने इस पूरे मामले को इग्नोर कर दिया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भक्त के साथ में मारपीट की गई है और पंडित धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए भक्त आगे बढ़ा था और जो बैरिकेटिंग वहां पर लगाई गई थी उसे कूदकर दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान बाउंसर्स जो वहां पर खड़े थे उन्होंने पिटाई की, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया गया। एक